इस जिले की जो आयुष्मान भारत की नोडल अधिकारी है मेरठ के प्रतिष्ठित सम्मानित कांग्रेस के नेता हैं बड़े जो अधूर हैं और उन्होंने ये कसम खा रखी है कि सफल ना हो जाए केवल इस पे वो काम कर रही है। जैसे उदाहरण के तौर पे उन्होंने हमारे साथ काम किया है, उन्होंने हमें करने को तैयार नहीं थी, इसके लिए भी मुझे सिफारिश करनी पड़ी। सिफारिश करने के 4 महीने बाद मुझे इम्प्लीमेंट फिजिशियन और गायनी का डिपार्टमेंट दिया। उसके बावजूद भी हमारे पास 12 डिपार्टमेंट जो हम 20 साल से अस्पताल को रन कर रहे हैं, 12 डिपार्टमेंट हमारे 12 के 12 डिपार्टमेंटों को इन्होंने अब तक 1 साल लगा दिया, जिसकी शिकायत मैं लखनऊ में कम से कम 10 से 12 बार कर चुका हूँ। लेकिन इन्होंने बजाय आगे के पैनल देने के जो मुझको वो लीगली कहीं अनफिट कर दें। मेरा अस्पताल पिछले 20 साल से चल रहा है और मैं अस्पताल को रन कर रहा हूँ 20 साल से। यहाँ जनसेवा के नाम पे हमने अस्पताल खोल रखा है, पूरे क्षेत्र के लोग हमारे यहाँ फ्री में इलाज करते हैं उनका और इलाज करा करके जाते हैं। और चूँकि इस योजना की नोडल अधिकारी डॉक्टर पूजा शर्मा है, जो कि एक बड़े कांग्रेसी नेता की पुत्रवधु हैं, उनके दिमाग में केवल इस योजना को ख़त्म करना, इस योजना में गलत चीज़ें लगाना, इस योजना को सफल ना होने देना उनका पहला उद्देश्य है। मैं इसको योजना में जब शामिल हो रहा था, सारे अस्पताल इसको कोई अस्पताल लेने को तैयार नहीं था और मैं अकेला अस्पताल था जो मेरा काम उन्होंने सिफारिश के बाद करा। 4 महीने तक मैं उनसे सिफारिश लगाता रहा कि मुझे इस योजना में शामिल किया जाए। उसके बावजूद उन्होंने मुझे 2 ही चीज़ों मुझे दी, फिजिशियन और पीडियाट्रिक्स और गायनी की 3 चीज़ों में मुझे दिया पैनल, और मैंने उनमें तीनों में सबसे ज़्यादा मेरठ में काम करा। और मैं पिछले 1 साल से दिल्ली लखनऊ में भी स्टेट अधिकारी जो इनके हैं डॉक्टर राजेंद्र जी, मैं उनसे भी कई बार निवेदन किया, उन्होंने भी निवेदन मैडम को किया, लेकिन मैडम उसमें कुछ करने को तैयार नहीं। मैंने मैडम की शिकायत लखनऊ की तो मेरा रिजल्ट ये निकला कि मुझे भी डी पैनल करने की बात मैडम ने कर रही हैं। अच्छा, अब ये बताइए डॉक्टर साहब, क्या तो मैडम कह रही हैं आपसे, और आपने अब तक जो काम किया उसका कितना पेमेंट है, कितना भुगतान हुआ, कितना शेष बचा है? अब तक मैंने लगभग 1 करोड़ का काम किया है लगभग, और उसमें से 25 से 30 लाख रुपए मेरे पास आए हैं। लगभग 70 लाख के आसपास हमारा ड्यूज सरकार के पास है। सरकार की प्राथमिकता है कि सरकार लगभग पूरे जिले का पेमेंट 80% कर चुकी हैं, लेकिन उन्होंने हमारा 80% रोक के हमें 20-25% मात्र पेमेंट हमारा किया है। डॉक्टर पूजा शर्मा की सोच है केवल ये। क्या कहती है डॉक्टर पूजा शर्मा? पूजा शर्मा की, चूँकि वो कांग्रेस की पुत्रवधु, कांग्रेस नेता की पुत्रवधु हैं, तो वो मेरे से पर्सनली भी ज्वेलिसी रखती हैं, चूँकि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। वो मुझे जो इंडिकेट मिला है ऑफिस के द्वारा, वो पैसे की भी डिमांड करती हैं अंदर से। उन्होंने कभी पर्सनली मेरे से नहीं कहा, पर जो लोग मेरे पास आए, उनके 2-3 बार लोग मेरे पास आए, वो कह रहे जी कुछ 10% मैडम का हिस्सा इसमें कर दो। अच्छा, नहीं तो मेरे अस्पताल से आयुष्मान को डी पैनल कर देनी। आप कहीं शिकायत करेंगे इसकी? क्योंकि मैं शिकायत कर रहा हूँ, मैं लखनऊ जा रहा हूँ आज, और मैं लखनऊ में जो इसके नोडल अधिकारी हैं, मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने मुझे बुलाया है, मैंने उनसे कहा है, उन्होंने कहा रविंदर जी आप आइए और जो भी जाँच है हम कर करके इसमें निर्णय ले लेंगे।